किचन हमारी घर का एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट है जहाँ सुबह से लेकर रात तक हमारा आना जाना होता है और मैक्सिमम टाइम हमारा यही निकलता है। भाई ऐसे ही नहीं बोलते, किचन इज द हार्ट ऑफ होम। आज मैं आपके साथ ऐसे 10 जीनियस किचन टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, ऐसे होम हैक्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपके किचन को बना देंगे चकाचक विद नो कॉस्ट DIYs और कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ट्वीक भी, जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। इस तरीके की छोटी बड़ी जैम की बॉटल्स हम सबकी किचन में मिल जाएंगी और जब हम इनको स्टोर करते हैं ना, हम बड़े अतरंगी तरीके से इनको स्टोर करते हैं, अलग अलग ढक्कन के और अलग अलग साइजेस की ये बॉटल्स हमारे पास होती हैं। दो इट इज़ अ चीप एंड बेस्ट ऑप्शन टू स्टोर योर किचन स्पाइसेस या फिर आप इसमें कुछ भी मिसलेनियस चीज़ें रख सकते हो, आज मैं इन किचन कंटेनर्स की यही अतरंगी बना खत्म करने जा रही हूँ और इनको एक कोहेसिव लुक देने जा रही हूँ। सो सबसे पहले मैंने इनको सेग्रीगेट कर दिया बड़े ढक्कन से छोटे ढक्कन, मैं आगे आगे आपको बताती चलूंगी कि मैं क्या ढक्कनों की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इनको कोई भी कलर पेंट नहीं करने जा रही हूँ, स्प्रे पेंट नहीं करने जा रही हूँ, बिकॉज वो डिशवॉशर में ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करता। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो अब मेरे डिशवॉशर में सस्टेन कर जाए अगर मैं उनको वॉश कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये मंगवाए हैं गोल्डन ढक्कन जी। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा अगर आपको चेक करना। बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन है और मार्केट जैसी आपकी न्यू बॉटल्स जैसी होती हैं आप लाते हैं, बिल्कुल वैसी आपकी ये बॉटल्स बन जाएंगी। मुझे सबसे अच्छी चीज़ इन जैम बॉटल्स की ये लगती है कि इनके ढक्कन का रिप्लेसमेंट मिल जाता है। जैसे कि बाकी किचन कंटेनर्स होते हैं, उनके अगर ढक्कन टूटे, बॉटल टूटे, उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आपकी बॉटल इंटैक्ट है, ढक्कन खराब हो गए हैं, जंग पकड़ गए हैं, जस्ट इनका ढक्कन चेंज कर दो और ये एकदम नई जैसी बॉटल्स दोबारा से बन जाएंगी। कांच की बॉटल है, ढक्कन चेंज करने से ही इसका इंटायर लुक चेंज हो गया है। गोल्डन ढक्कन वाली जैम की बॉटल है और जो रेड वाली बॉटल मैं दिखा रही हूँ ये आपको मदर्स रेसिपी की अचार की बॉटल है आई गेस, और दोनों का ही लुक देखो कितना ज़्यादा डिफरेंट हो गया है जस्ट एक ढक्कन चेंज करने से, कैन यू इमेजिन। और ये ढक्कन बहुत सस्ते मिलते हैं। अगर आपके ढक्कनों में जंग लग गई है, जैम की बॉटल्स की ढक्कन की बात कर रही हूँ मैं, अगर उनमें जंग लग गया है, रिप्लेस इट, जस्ट रिप्लेस इट। बहुत सस्ते आते हैं ये और हर साइज़ में अवेलेबल हैं। मैं इनका लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप जिस भी पैंट्री में, किचन पैंट्री में, ड्रॉअर में या फिर आप शेल्फ़ में यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे एक कोहेसिव लुक आएगी, कितना सुंदर लग रहा है। अब मुझे जो करना है इनको लेबल करना है और लेबल के लिए मैं DIY यूज़ करने वाली हूँ। आगे आगे आपको बताती चलूँगी और क्या मैं इसमें चेंजेस कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वाइट पेपर टेप लेके इनके ढक्कनों पे लगा दिए, बिकॉज मेरा जो ये टॉल ड्रॉअर है ये ऊपर की साइड मुझे दिखता है तो मेरे को एक एक बॉटल निकाल के देखनी नहीं पड़ेगी। इनके ढक्कनों पे ही मैंने लिख दिया है कि इसमें कंटेंट क्या है, इस तरीके से मुझे एक एक बॉटल उठा के देखनी नहीं पड़ेगी और मुझे जो चीज़ चाहिए वो मेरे आँखों के सामने होगी फटाक से। जिन बॉटल की लेबल्स पे आप देख रहे हैं कि वो उन पे कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स कि वो बॉटल्स खाली हैं, उनमें अभी कोई भी कंटेंट नहीं है। जब उनमें कोई कंटेंट जाएगा, फिल होगा, तो उसमें जो भी जाएगा वो मैं उसके ऊपर लिख दूंगी। अब बाकी रिमेनिंग बॉटल्स के ढक्कन चेंज कर लेते हैं और मस्त सी लुक अपने ड्रॉअर को देते हैं। जब भी जैम परचेज कर रही होती हूँ मैं कभी भी उसके प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं लेके आती, हमेशा ग्लास बॉटल्स लेके आती हूँ, बिकॉज वो मुझे पता है मेरी आगे रीयूज़ हो जाएंगी और मुझे ग्लास बॉटल्स आगे रीपरचेज नहीं करनी पड़ेंगी। अभी भी मेरे पास इतने सारे ढक्कन बच गए हैं, इनमें से कोई भी ढक्कन खराब होता है तो वो मैं आगे रिप्लेस कर सकती हूँ। इस येलो वाली बॉटल के लिए मुझे बड़े साइज़ का ढक्कन चाहिए, सो वो मैं अभी हंट में हूँ, उसका साइज़ मुझे मिल नहीं रहा है। आप अपने ग्लास कंटेनर्स को लेबल करने के लिए इस तरीके के यूनिफॉर्म स्टिकर्स भी परचेज कर सकते हैं, इनके साथ एक वाइट पेंसिल भी आती है।
बहुत इजीली रब हो जाते हैं। अगर आपको अपने कंटेनर में कुछ और आपने फिल कर दिया है, आप इन लेबल स्पेस से जस्ट नॉर्मल जो आपका बच्चों वाला इरेजर होता है वो लेके आप इसको रब कर सकते हैं, और दोबारा कुछ और अगर आपने फिल कर दिया है आप वो नाम इस पर बहुत ईजिली लिख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पल्सेस की पैंट्री है, बेसिकली मेरी यही पैंट्री है, मैंने कोई अंदर पैंट्री एक्स्ट्रा नहीं रखी हुई है, आगे की वीडियोज में आपको पता चलता रहेगा। सो इस तरीके के लेबल्स मैंने मंगवाए हैं, और ये देखिए कितना कोहेसिव और आई मीन बहुत ही सुंदर लग रहा है यार देखने में। वैसे तो ये वाले लेबल्स बड़े सस्ते आते हैं, बट आप अगर इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो जो आपकी दालों के पैकेट पे लेबल्स होते हैं ना, आप उनको कट कीजिए और इतने कलरफुल लेबल्स बन जाएंगे। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टाटा संपन्न का पैकेट है, उसमें मूंग दाल लिखा है, और वो मैंने मूंग दाल का लेबल कट करके अपनी इस मूंग दाल की जार पे, जो पल्सेस का जार है मेरा, उस पर मैंने लगा दिया है विद हेल्प ऑफ सेलो टेप। और ये वाला जो टेप वाला ऑप्शन है ना, ये मैं डायरेक्ट डिशवॉशर में डाल सकती हूँ, टेप नहीं निकलेगी। बहुत बार मैं कर चुकी हूँ, इंटेंसिव हीट सेटिंग पे भी इस तरीके का जो मैंने ये जुगाड़ किया है ये नहीं निकलने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर मुझे अपने दालों के डब्बों पे लेबल्स लगाने होते हैं, अगर मैं हैंडमेड नहीं लगा रही हूँ, तो फिर मैं टाटा संपन्न के लेबल्स लगाना, पैकेट में से कट करके लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बिकॉज ये इतने कलरफुल होते हैं ना, और इनमें इंडिया का टच है। ये पिक्चर देखो यार, ये पिक्चर पूरा इंडिया डिनोट करती है। इसमें आपको पेड़ मिलेगा, विंड मिल्स मिलेंगी, माउंटेन्स मिलेंगे, पंछी मिल रहे हैं, ग्रीन बुगियाल मिल रहे हैं जो ग्रासलैंड्स होते हैं। आपने अगर रोड ट्रिप्स करे हैं आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दिस जस्ट शोज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, कितना ही सुंदर लेबल है ये, आप इसको जरूर लगाओ अपनी किचन में, दिस सिग्निफाइज इंडिया। और इसका जो कलर कॉम्बो है हमारे फ्लैग से भी मैचिंग है। तो इस तरीके से मैं लेबल्स बनाती हूँ, जिस तरीके से ये मैंने शुगर का भी लेबल बनाया है, सो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। पुरानी सॉक्स, एक डबल साइड हुक और एक कार्ड बॉक्स से आप बना सकते हो अपने लिए एक स्टैंड, जिसमें कि आप रख सकते हो अपनी एल्यूमिनियम फॉइल, बटर पेपर एज वेल एज क्लिंग फिल्म। सो सॉक्स में मैंने डाल दिया है क्लिंग फिल्म और बटर पेपर, बिकॉज बहुत पतले पतले से रह गए थे ये, अब इतने हैवी नहीं है, मोटे नहीं है, तो एक ही सॉक्स में दोनों फिट हो गए। और उसके सॉक्स के पीछे मैंने एक होल बना दिया है, बिकॉज ये इधर उधर ना गिर रहा था, उसके ऊपर मैंने एक लगा दिया डबल साइड हुक, जिसमें कि मैंने ये सॉक्स अटका दी है, और ये अब ऐसे ही रहता है, ये कहीं इधर उधर गिरता नहीं है। अगर मैं पल्ला खोल रही हूँ, बंद कर रही हूँ अलमारी का, वो तब भी इधर उधर गिरेगा नहीं। हो गया ना एक नो कॉस्ट डीआईवाई ऑर्गेनाइजर से चार निशाने, आपकी पुरानी सॉक्स भी यूज हो गई, आपका एक कार्ड बॉक्स भी यूज हो गया, आपको एक स्टैंड भी मिल गया, और आपके किचन की जो कैबिनेट की वर्टिकल स्पेस थी दरवाजे की वो भी यूज हो गई। खाना बनाते हुए हमेशा आप जितनी भी बार अपनी रिफाइंड बॉटल का, ऑलिव ऑयल का, या किसी भी टाइप के कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, घी का यूज़ कर रहे हैं, उनके बर्तन हमेशा पोंछ के रखिए। एक टिश्यू पेपर सुबह ही निकाल के रख लीजिए और उसको पूरा दिन चलाइए, बार बार नए टिश्यू पेपर्स आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक सुबह ही निकालिए और उसको पूरा दिन यूज़ करके रात को जब आप अपनी किचन वाइंड अप करते हैं तब उसको फेंक दीजिए। सो इस तरीके से आपके जो ऑयल का स्पिलेज होता है या फिर जो चिकनाई होती है ना, वो पूरी किचन में फैलती नहीं है, ना कि उसके स्टैंड में भी फैलती है। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, और मैं खाने पीने के बाद आ गई हूँ अपना काम करने, जो मेरा सबसे बड़ा लोड होता है डिशेस का, डिशेस ही अरेंज कर रही हूँ, और उसके बाद दूसरा लोड है इनको अनलोड करने का, मैं वो कर लेती हूँ। आप तब तक जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको इसमें से कौन सा किचन टिप सबसे अच्छा लगा, और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और आपको उस पावर को बरकरार रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।